आप सब फिट एंड फाइन होंगे। देखिए अब हम थोड़ा स्पीड में जाने वाले हैं, रूल्स हमारे चलते रहेंगे, ठीक है। जो रूल्स हम कह रहे हैं, जो हम रूल्स बना रहे हैं, वो रूल्स आपके एज इट इज वर्क करेंगे, बट चूंकि एग्जाम टाइम है और इस समय आप लोगों को चाहिए स्पीड, ठीक है, तो हमने थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हुए आपके एक कंसेप्ट एडवांस आउटलाइन का मैं डालती हूँ मंडे में, ठीक है। उसमें सारी की सारी एडवांस आउटलाइन होती हैं, जिन्हें हम फ्रेजेस भी कहते हैं, ठीक है। तो वो फ्रेजेस हैं जो मैं मंडे सेक्शन में अपडेट कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका जो वेंसडे और फ्राइडे का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में या उस डे पे जो मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, वो वीडियोस बेसिकली एक रूल का होगा और एक आपका स्मार्ट आउटलाइन का होगा विद डिक्टेशन, ठीक है। तो अब ये कंसेप्ट आपका कंटिन्यू होने वाला है। तो ये जो रूल या ये जो कंसेप्ट आपका चलेगा, ये इसलिए है कि रूल्स भी आपके रहें, आपकी एडवांस आउटलाइंस भी होती रहें, प्लस आपका स्मार्ट आउटलाइन विद डिक्टेशन सेपरेटली चलता है। बेसिकली जब भी मैं आपको कोई भी एक्सरसाइज अपलोड करती हूँ, उस एक्सरसाइज में मैं वहां पर विद डिक्टेशन एक्सरसाइज देती हूँ। आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, एक्सरसाइज बना लिया, काम खत्म। मैं हमेशा हर एक्सरसाइज के साथ में उसकी डिक्टेशन भी मैनेज कर रही हूँ। डिक्टेशन मैनेज करने का मोटिव ये है कि आप उस कंसेप्ट को प्रॉपर समझ पाए, ठीक है। आप डिक्टेशन के हैबिचुअल हो जाए, बिकॉज कहीं भी आपको एग्जाम में रूल्स नहीं पूछे जाएंगे, हर एग्जाम में आपकी डिक्टेशन आएगी। तो जब आप एक लोअर लेवल से डिक्टेशन मैनेज करेंगे, तो यू बेटर नो दैट कि वो आपके लिए कितना ज्यादा इम्प्रूव्ड फॉर्म होगा, ओके। तो प्लीज आपका सपोर्ट भी चाहिए कि आप इसको प्रॉपर देखें विदाउट स्किप किए हुए, बिकॉज स्किप करेंगे तो लॉस आपका ही है। अगर मैं कोई आउटलाइन आपको बताऊंगी, तो उस आउटलाइन को मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगी। क्यों एक्सप्लेन करने का मोटिव ये है, क्योंकि अभी सारे रूल्स मैंने आपको नहीं बताए हैं, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी, ताकि आप समझ सकें कि वहां पर हमने उसको किस तरह से बनाया है, ठीक है। ताकि जब आप उसको लर्न करें, आप उसको जब रिकॉल करें, तो किसी भी तरह का आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्मार्ट आउटलाइन कंसेप्ट को, जिससे कि आपकी स्पीड हो जाए दुगनी, है ना। तो देखिए सबसे पहला आपका जो वर्ड है, जो मैं डिक्टेशन करूंगी, उस डिक्टेशन में ये वो वर्ड्स हैं जो उस डिक्टेशन में प्रॉपर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो है उपकुलपति महोदय। कितना बड़ा वर्ड है देखिए, उपकुलपति महोदय। अब हम जब इसको बनाएंगे तो कैसे बना, उप के लिए पा की लाइन को थर्ड प्लेस पे लिया, कुल पति इसको ता के लिए छोटा किया, महोदय, ठीक है। ये जो हमने इतना छोटा किया है, यहाँ पर ता का रूल लगा है, मतलब जब किसी शब्द के बाद में ता की लाइन आती है, तो हम उसको उसकी लंबाई का आधा कर देते हैं, ठीक है। ये रूल यहाँ पर मैंने अप्लाई किया, तो क्या है, उपकुलपति महोदय। इतना बड़ा वर्ड आपका ये एक स्मार्ट आउटलाइन से डिफाइन हो गया। देखिए मैं जो आपको डिक्टेशन दूंगी, ये 40, 60 एंड 80 की स्पीड में होगी, अलग अलग फॉर्म में डिफाइन करूंगी मैं इसको, ठीक है। तो इन डिक्टेशंस में आपको जितनी भी एडवांस आउटलाइन आएंगी या जितनी भी स्मार्ट आउटलाइंस आएंगी, वो मैं यहाँ पर डिफाइन करूंगी, उसके बाद मैं आपको डिक्टेशन दूंगी, ताकि आप पहले लाइन्स की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आप स्पीड पे जाएं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे उन लाइंस को बनाने में, ओके। और जो भी डिक्टेशन होंगी वो एक तरह से स्पीकर लैंग्वेज में होगी, मतलब जो आपकी स्पीकर्स की जो स्पीचेस होती हैं उन पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो एक डिफाइंड मैटर होगा जिसके थ्रू आप इसको मैनेज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है आपका विश्व विद्यालय, ठीक है, विश्व विद्यालय, दो शब्द मिलके बना है, तो ये बना आपका विश्व विद्यालय, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है, विद्यालय। या आप इसको अपोजिट भी बना सकते हैं, ये विद्यालय, मेरा हाथ इस पे सेट है, ठीक है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बेटर रहेगा, इजीली इसको डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद देखिए बंगाल, बंगाल एक जगह का नाम है, ठीक है,
इसके नीचे हम दो इस तरह से मार्क लगाते हैं, किसी भी जगह कोई भी संज्ञा शब्द आप लिख रहे हैं और वो एक इम्पोर्टेंट नेम है, जैसे किसी पॉलिटिशियन का नाम है, किसी एक्टर का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, तो ऑलवेज उनके नीचे कोशिश कीजिए इस तरह के मार्क लगाएं, ताकि आप उनको अदर वर्ड से डिफरेंट कर पाए। जब वो अदर वर्ड से डिफरेंट कर पाएंगे आप, तभी समझ पाएंगे कि ये कोई स्पेशल वर्ड है। ठीक है, तो इस तरह का एक मार्क हम डिफाइन करते हैं स्पेशल वर्ड्स के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ड है आपका पुनर्जागरण। ठीक है, तो कैसे बना आपका पुनर्जागरण, ये पुनर, ठीक है, जागरण, पुनर्जागरण। ठीक है, रा का हुक है जा की व्यंजन का, यहाँ रा का हुक है, ये ना का हुक है। ओके, इसके बाद वर्ड है आपका राजा, राम, मोहन, राय। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाइए, अब मैंने इतनी छोटी लाइन की है, इसी में मुझे बनाना है। तो राजा के लिए ये एक लाइन बना दी हमने, राम, ठीक है, न का दे सकते हो, और ये राय हो गया, और नीचे दो लाइन इंडिकेट करेंगे, राजा, राम, मोहन, राय। इस तरह से ये स्ट्रोक बनेगा आधुनिक। ठीक है, तो क्या हुआ, ये धा बना और ये ना को छोटा बनाया आधुनिक। क के लिए इस स्ट्रोक को अपनी लेंथ का छोटा करेंगे, मतलब अगर किसी शब्द के बाद ट त या क आता है तो वो स्ट्रोक अपनी लेंथ का आधा हो जाता है। ठीक है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको हाफ किया है और इसमें क को ऐड किया है, तो ये शब्द बन गया आपका आधुनिक। ओके, ये ऊपर का इरेज कर रही हूं। नेक्स्ट देखिए आप, अब देखिए जैसे लिखते हैं हम संख्या, इसमें कुछ शब्द उसमें नहीं आएंगे, बट चूंकि आप ब्रिटिश में उसको जल्दी याद कर लेंगे, इसीलिए मैं यही लिखती हूँ, और शब्द लिखते हैं असंख्य। ठीक है, तो संख के लिए ये शब्द है, ओके, और असंख के लिए ये शब्द, ये यहां पर आ की साउंड निकाल देंगे हम, तो ये असंख्य हो गया और ये संख्य हो गया। ओके, इसके बाद देखिए संपन्न, तो ये सम के लिए छोटा सा सर्किल बनाते हैं व्यंजन रेखा के शुरू में, ये पा की व्यंजन रेखा हुई, ये ना बना और ये ना का हुक है और ये ना की पूरी लाइन है, तो इस तरह से आप संपन्न लिख सकते हैं। ओके, जब ऐसे शब्द आप बनाएंगे तो आप जल्दी पढ़ भी पाएंगे और उनको एकदम क्विकली आपका रेस्पॉन्स करेगा माइंड। ओके, इसी तरह से शब्द है आपका संतानो। ठीक है, तो देखिए संतानो ये बहुवचन के लिए यहाँ पर हमने दिया, अगर सिंगुलर फॉर्म है तो ये वाला डॉट नहीं रखेंगे, आपकी डिक्टेशन में प्लूरल फॉर्म में ही आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्नत, उन्नत शब्द है, बेसिकली का वर्ग के अक्षर म, न और ड के लिए दो ही प्लेस है, लाइन के ऊपर और लाइन पर, बट यहाँ पर हम एडवांस स्ट्रोक या फिर स्मार्ट आउटलाइन बनाने के लिए थर्ड प्लेस को भी यूटिलाइज करेंगे, हम इसको लिखेंगे थर्ड प्लेस पर, उन नत, एक बड़ा बनेगा एक छोटा बनेगा और बिल्कुल लाइन से टच करता हुआ इस तरह से बनाएंगे आप उन्नत। ठीक है, इसके बाद देखिए आप उन्नत हो गया, अब ये एक पूरा फ्रेज है, आज का दिन फ्रेज आ रहा है पूरा। ठीक है, तो यहां पर क्या किया, आज दिन, बस हो गया, आज जाएगी व्यंजन रेखा है और दिन उसमें ऐड कर दिया। फिर है स्नातकों, ठीक है, तो स्नातकों छोटा बनाएंगे, ताकि व्यंजन रेखा को छोटा करेंगे और क के लिए, और यहाँ पर ये बहुवचन के लिए ये आ गया, अगर प्लूरल फॉर्म नहीं है तो ये जो बिल्कुल नीचे डॉट लगा है इसको आप यूज नहीं करेंगे। जिम्मेदार, ठीक है, और इसी से शब्द बनता है जिम्मेदारी,
ये थोड़ा अलग है, आपके उसमें नहीं आएगा, बट फिर भी चूंकि इक्वली आ रहा है तो मैं आपको बताती जा रही हूं। जिम्मेदारियां, ठीक है, अब देखिए जिम्मेदार, जिम्मेदारी और जिम्मेदारी, यहां पे ये गया, ठीक है, ये स्ट्रोक यहां पर आके इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये जिम्मेदारियां, या तो आप इसको ये करेंगे या फिर हम यहां पर इसको प्लूरल फॉर्म डिफाइन कर देंगे। ई के लिए बाहर निकाला, ये बहुवचन है, जिम्मेदारियां, ये दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसको कीजिए नोट डाउन फटाफट और इनको प्रॉपर प्रैक्टिस में लेंगे। आप कम से कम एक एक स्ट्रोक को एक एक लाइन में डिफाइन करेंगे जिससे कि वो इजिली आपके लिए मैनेज हो पाए। ओके, संभालने जा रहे हैं, देखिए संभाल, इसकी लाइन से लेके लिखी है, संभालने जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से पूरा जाएगा। प्राप्त कर रहे, ये सारे फ्रेजेस हैं आपके, ठीक है, प्राप्त कर रहे थे, रहा रही रहे के लिए व्यंजनिका को उसकी लंबाई का डबल कर देते हैं तब इसको डिफाइन करते हैं, तो प्राप्त कर रहे थे, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। फिर दाल की, तो कैसे है दा एक तो इस तरह से, ठीक है, दायित्व, इसी से शब्द बनता है आपका उत्तर दायित्व, तो कैसे बना उत्तर दर, दर के लिए व्यंजन रेखा को डबल कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसमें अदर स्ट्रोक को ऐड कर दिया। ओके, फिर समाप्त करने के बाद, ठीक हो गया, तो देखिए समाप्त का आपका शब्द चिन्ह है, समाप्त बना आपका, ठीक है, करने के बाद हल्का मोटा करके बनाएंगे तब भी बनेगा, ठीक है, इस तरह से ये जितने भी हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला है, फोर्थ वाला, ये फ्रेजेस हैं, वाक्यांश हैं, ठीक है, ये इसी तरह से लिखे जाएंगे। थोड़ा बहुत शब्दों को ऊपर नीचे हम कर देते हैं फ्लो में लेने के, क्योंकि अगर मैं बाद का बनाती तो ये आगे जाता जो कि आगे की लाइन को फिल करता, इसलिए हमने इसको अपोजिट किया है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको एडवांस आउटलाइन की अच्छे से, प्रैक्टिस करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका जवाहर लाल नेहरू, ठीक है, तो जवाहर लाल नेहरू ये पूरा है, ये पूरी एक लाइन है, नीचे वही दो स्ट्रोक लगाएंगे ताकि क्लियर हो, और अगर सिर्फ नेहरू जी लिखना है, ठीक है, नेहरू जी, तो आपने ये लिखा नेहरू और ये जी, यहां पर ये लगाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। नव युवकों, तो नव, ठीक है, और युवक, नव का हो गया, युवकों का हो गया, दो मर्ज किए गए हैं आपका। ओके, इसके बाद वर्ड है आपका आमंत्रित और निमंत्रित, तो देखिए आमंत्रित लिखेंगे, ये हल्का सा डेस्क लगाया त्र के लिए आमंत्रित, ठीक है, निमंत्रित के लिए ना में त्र बस। ओके, इसके बाद वर्ड है आपका आवाहन, ठीक है, आवाहन, तो ये आ के लिए, खा के लिए, ठीक है, आवाहन, इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका प्राप्ति, करने प्राप्ति, सपोज तो प्राप्त, इस तरह से आप लिख सकते हैं प्राप्त, ठीक है,
नेक्स्ट है आपका काम करने का। देखिए काम करने का इस तरह से पूरा बन जाएगा आपका स्ट्रोक। ये आपने नोट डाउन कर लिए होंगे और मैं नेक्स्ट बता रही हूँ। लास्ट के कुछ बचे हुए हैं आपके एडवांस स्ट्रोक। अग्रणी भारत वासी, ठीक है, और संतोष असंतोष और गतिशीलता, ठीक है। देखिए अग्रणी तो अग्रणी इस तरह से बना सकते हैं भारतवासियों, ठीक है। संतोष तो ये विदाउट गैप संतोष और ये असंतोष, ये जो आप बनाओगे इसमें कोई भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लोज सर्कल है, ठीक है। गतिशीलता गतिशीलता, ओके। ये जो अब मैं आपको डिक्टेशन देने वाली हूँ उस डिक्टेशन से रिलेटेड मैंने ये सारे टफ वर्ड, ठीक है, आपके लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन टफ वर्ड की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद जो मैं डिक्टेशन आपके लिए ऐड करूंगी वो डिक्टेशन आप उसको प्रैक्टिस में लीजिए। फर्स्ट डिक्टेशन 40 वर्ड्स पर मिनट की होगी जो जस्ट इसके बाद अपलोड होगी स्टार्ट बोलने के, ठीक है, ओके। आउटलाइन मैंने आपको एक्सप्लेन की है, उन एडवांस आउटलाइन के हिसाब से मैं आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन दे चुकी हूँ। अब जो मैं डिक्टेशन स्टार्ट करूंगी ये डिक्टेशन 60 वर्ड पर मिनट की होगी जो कि 7 मिनट में अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें वो सभी वर्ड्स आएंगे जो ऑलरेडी आप स्मार्ट आउटलाइन में बना चुके हैं। तो मेरे स्टार्ट बोलने के बाद में आप कॉपी एंड पेंसिल अपनी प्रिपेयर कर लीजिए, स्टार्ट बोलने के बाद में मैं डिक्टेशन को शुरू कर दूंगी। विद इन स्टार्ट, उपकुलपति महोदय, जैसा कि आपने कहा आपका विश्वविद्यालय नया है, लेकिन बंगाल में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सबसे आगे रहा है। राजा राम मोहन राय से लेकर जो कि हमारे आधुनिक पुरुष थे, और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है। आज तक बंगाल की कोख से जन्मी उन असंख्य महान संतानों की एक लंबी कहानी है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन को संपन्न और उन्नत किया है। आज का दिन केवल एक समारोह का ही नहीं है, आज इन युवा स्नातकों के जीवन ने नया मोड़ लिया है। आज से आप नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। अभी तक आप दूसरों से कुछ प्राप्त कर रहे थे, आज से दूसरों को आपसे अपेक्षा होगी। विद्यार्थी जीवन एक तैयारी की अवस्था है,
समाज का युवा लोगों के प्रति शिक्षा देने का दायित्व है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद पढ़े लिखे नव युवकों का समाज के प्रति एक कर्तव्य हो जाता है। यह कर्तव्य है अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना। आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नव युवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया था। वह आह्वान आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50-55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो जाता। आप जो आज नव युवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बटा सकते हैं। अतः आप स्वयं को भी अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आप ही को करना है पहले कभी नहीं हुआ। भारतवासियों के जीवन में सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है। कभी कभी अखबारों में नव युवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों, सीधी कार्रवाई और झगड़ों की खबरें आती हैं। एक हद तक यह असंतोष युवकों की गतिशीलता का द्योतक है। उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। यह विरोध विकास की एक अवस्था है या एक प्रवृत्ति। डिक्टेशन समाप्त। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? होप ये डिक्टेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको प्रॉपर कीजिए। पहले एडवांस आउटलाइन या जो मैं कहूँ कि स्मार्ट आउटलाइन आपके लिए अपलोड की है, पहले आप उनको प्रैक्टिस में लेंगे, आफ्टर दैट आप डिक्टेशन सेक्शन को करेंगे। डिक्टेशन ऑलरेडी 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में डाउनलोड हो चुकी है। अब जो ये स्पीड है ये 60 वर्ड्स पर मिनट है। इसमें आपकी 7 मिनट की डिक्टेशन थी जिसमें कि आपके हाथ से वही शब्द चलेंगे जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस में ले चुके हैं।
तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, फिर डिक्टेशन सेक्शन मैनेज कीजिए। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। थैंक यू। स्मार्ट आउटलाइन के अकॉर्डिंग आपकी 40 एंड 60 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ये बुक वन की फर्स्ट एक्सरसाइज की 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन है। इस डिक्टेशन में आपको 5 मिनट में 400 शब्दों को बोला जाएगा, जो कि आपको एडवांस आउटलाइन के बिहाव पर ही बनाने हैं। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप उसको कैच करें, और अगर किसी वर्ड में आपका हाथ अटकता है तो आप उस वर्ड को मार्क कर लीजिएगा और फिर उसको प्रैक्टिस में लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करूंगी। अभी हम डिक्टेशन शुरू करने वाले हैं, 2 सेकंड बाद स्टार्ट बोल के मैं डिक्टेशन को शुरू कर दूंगी। स्टार्ट। उपकुलपति महोदय, जैसा कि आपने कहा, आपका विश्वविद्यालय नया है, लेकिन बंगाल में शिक्षा की परंपरा नई नहीं है। बंगाल हमारे देश के बौद्धिक पुनर्जागरण और राष्ट्रीय जागृति में सबसे आगे रहा है। राजा राम मोहन राय से लेकर, जो कि हमारे पहले आधुनिक पुरुष थे, और इस छोटे शहर को उनका नाम देकर ठीक किया गया है। आज तक बंगाल की कोख से जन्मी उन असंख्य महान संतानों की एक लंबी कहानी है, जिसने हमारे राष्ट्रीय जीवन को संपन्न और उन्नत किया है। आज का दिन केवल एक समारोह का ही नहीं है, आज इन युवा स्नातकों के जीवन ने नया मोड़ लिया है। आज से आप नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। अभी तक आप दूसरों से कुछ प्राप्त कर रहे थे, आज से दूसरों को आपसे अपेक्षा होगी। विद्यार्थी जीवन एक तैयारी की अवस्था है। समाज का युवा लोगों के प्रति शिक्षा देने का दायित्व है। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद पढ़े लिखे नव युवकों का समाज के प्रति एक कर्तव्य हो जाता है। यह कर्तव्य अपने अर्जित ज्ञान और कौशल को समाज की सेवा में लगाना है। आधी शताब्दी पूर्व जब हमारे देश ने अपना स्वतंत्र जीवन आरंभ किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के नवयुवकों को नव भारत के निर्माण के अद्भुत साहसी कार्य में योग देने के लिए आमंत्रित किया था। वह आवाहन आज भी उतना ही सार्थक है जितना कि 1947 में था, क्योंकि एक देश का निर्माण केवल 50-55 वर्षों में ही पूरा नहीं हो जाता। आप जो आज के नवयुवक हैं, चाहे आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काम करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को मजबूत बनाने के प्रयास में हाथ बटा सकते हैं। अतः आप स्वयं को भी अग्रणी समझें। बहुत सा काम जो आप ही को करना है, पहले कभी नहीं हुआ। भारतवासियों के जीवन में
सजीवता लाने से अधिक अद्भुत कार्य और क्या हो सकता है। कभी कभी अखबारों में नव युवकों में फैले असंतोष, उनकी हड़तालें और अनशनों सीधी कार्यवाही और झगड़ों की खबरें आती हैं। एक हद तक यह असंतोष युवकों की गतिशीलता का द्योतक है। उस सीमा तक मैं इस भावना का स्वागत करती हूँ। कभी कभी ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे युवा लोग सत्ता के अस्तित्व तक के विरोधी हैं। यह विरोध विकास की एक अवस्था है या प्रवृत्ति। कैसी रही आपकी डिक्टेशन? 80 वर्ड की जब डिक्टेशन होती है तो स्ट्रोक थोड़े फास्ट हो जाते हैं, हाथ थोड़ा तेज चलाना पड़ता है, और ये तेज तभी चलेगा जब स्मार्ट आउटलाइन आपने प्रॉपर प्रैक्टिस में लिए होंगे। जो टफ वर्ड होंगे उनको प्रॉपर प्रैक्टिस मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले स्मार्ट आउटलाइन है, फिर डिक्टेशन सेक्शन है, ठीक है। तो अभी आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस में लीजिएगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं इसी तरह के डिक्टेशन एंड रूल से रिलेटेड वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। आप अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू।